Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to get rid of chest fat or man boobs. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मैन बूब्स और चेस्ट फैट के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैन बूब्स और चेस्ट फैट गायनो पे वीडियो बनाइए, तो इसके बारे में हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो पहले लोग बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को चेस्ट फैट या मैन बूब जिसको बोलते हैं या फिर गायनो के बीच में, तो मैं आपको पहले क्लियरिफाई कर दूं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि आपको गायनो है या चेस्ट फैट है। पहले मैं आपको उसके तरीके बताऊंगा किस टाइप का दिखता है वो। तो यहाँ पर जो फोटो आ रहा होगा ये चेस्ट फैट है जिसके बारे में हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो जो चेस्ट फैट है वो क्या रहता है, बेसिकली हमारे जो बैड ईटिंग हैबिट्स रहते हैं उस वजह से क्या डेवलप होता है। और जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज जब ज्यादा हो जाता है, लाइक 35 to 40, 45 भी बहुत लोगों का फैट परसेंटेज रहता है, तो जो चेस्ट रहता है वो थोड़ी लटक जाती है जिसको बोलते हैं चेस्ट फैट। अब चेस्ट फैट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले गायनो के बारे में बता दूं। तो यहाँ पर जो फोटो आ रहा है दैट इज कॉल्ड गायनो। गायनो मतलब जैसे जो आपके बॉडी में जो हार्मोन रहता है मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हार्मोन रहता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो रहता है उसका क्वांटिटी जब आपके बॉडी में बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लो डाउन हो जाता है तब आपको प्रॉब्लम आती है गायनो की, बिकॉज तब आप जो ब्रेस्ट टिश्यूज रहते हैं वो आप डेवलप करना चालू कर देती है आपके चेस्ट में। इस वजह से क्या होता है आपको गायनो हो जाता है। गायनो की पहचान बता दूं, जब आप अपने निप्पल को पकड़ेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड टाइप करेगा और गांठ जैसी लगेगी, जिस वजह से क्या लगेगा वो आपका गायनो की प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिकली गायनो का, सॉरी टू से दैट, कोई भी एक्सरसाइज या डाइट प्लान आपको गायनो से छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर आपको गायनो की प्रॉब्लम है पहले चेक करिए कि वो चेस्ट फैट है या गायनो है, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको गायनो है तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, बिकॉज आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो गया है। इस वजह से क्या हुआ, आपका जो एस्ट्रोजन है जो आपका फीमेल हार्मोन है वो इंक्रीज हो गया है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है। तो या तो उसको आप हार्मोन रिप्लेसमेंट करा के भी आप उसको ठीक कर सकते हैं या फिर एक ही इलाज बचता है सर्जरी। अब हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं जो है चेस्ट फैट या मैन बूब्स। तो चेस्ट फैट जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपके फैट परसेंटेज जब इंक्रीज हो जाता है तो आपकी चेस्ट थोड़ी लटक जाती है, उसमें फैटी फैटी टेक्सचर आने लगता है। एक फोटो भी आपको दिखाई हुई है उस टाइप का। जब आपका चेस्ट हो जाए तो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिटनेस गुरुज भी ये बोलते हैं, देखिए गाइस गो फॉर दिस एक्सरसाइज, डिक्लाइन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाइए, डिक्लाइन फ्लाइज लगाइए, डिक्लाइन केबल रो करिए या फिर आप करिए डिक्लाइन डंबल प्रेस। अकॉर्डिंग टू मी आपको एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोर जब आपको एब्स बनाने रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि मेरा चेस्ट फैट हट जाए तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करेंगे तो अपने आप आपका जो मैन बूब्स है या चेस्ट फैट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, बट इसके लिए टाइम लगेगा। बिकॉज जैसे क्या होता है जो हमारा चेस्ट एरिया रहता है वहां पर फैट बहुत जल्दी चढ़ जाता है। आप कभी ये चीज देखे होंगे, आप जब बैड ईटिंग हैबिट्स करते हैं तो उससे आपके कभी बाइसेप्स में बहुत लास्ट में होता है, शोल्डर में फैट नहीं आता, फोर आर्म्स में फैट नहीं आता, लेकिन आपके चेस्ट पे आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट पे सुधार करना पड़ेगा, आपको क्लीन खाना पड़ेगा और अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। सिर्फ डिक्लाइन पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए, ये मिथ है, आपका बिल्कुल कम नहीं होगा चेस्ट फैट। उसके लिए क्या आपको ओवरऑल सर से पैर के तक लेके आपको फैट लॉस करना पड़ेगा। स्पॉटेड एरिया फैट रिडक्शन नहीं होता, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो अगर चेस्ट फैट से आपको बचना है तो आपके डाइट पे सुधार करिए, अच्छे से आपका फैट परसेंटेज लो डाउन करिए, जिससे क्या होगा आपका चेस्ट फैट अपने आप चले जाएगा। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए, यहीं पर इंस्टा का लिंक आ रहा होगा तो आप जाके प्लीज फॉलो करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping, stay blessed.